हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एल्काइल हैलाइड यूनिट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हमको फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल प्राप्त होता है। सो SN2 मीन्स बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहां पे एस डिनोट करता है सब्स्टिट्यूशन को, एन डिनोट करता है न्यूक्लियोफिलिक को, एन दो का मतलब होता है बायोमोलिकुलर। ठीक है, सो SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड का क्या होता है इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से एक बार देख सकते हैं, ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एक्वस KOH आर Ag2O सस्पेंडेड इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। ओके, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है? मेन जो होता है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एंड इसी को ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है। एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, ये जो रिएक्शन होता है, दो टाइप के होते हैं, यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म जिसे SN1 मैकेनिज्म कहा जाता है, एंड बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म जिसे SN2 मैकेनिज्म कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, SN1 रिएक्शंस के द्वारा किस प्रकार से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है इसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया है। सो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आपको एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट भी मिलेगा इस पूरे यूनिट का, जिसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। सो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा किस प्रकार से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सो इन दिस मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन एटम, एट द सेम टाइम हेलोजन टेक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम CX बॉन्ड एंड सेपरेटेड एज हैलाइड आयन। ओके, सो बेसिकली इस मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये जो है एल्काइल ग्रुप के जो कार्बन एटम होगा उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे न्यूक्लियोफाइल जो है, बेसिकली ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये एल्काइल के कार्बन एटम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो कि हेलोजन एटम से अटैच होता है। एट द सेम टाइम हेलोजन टेक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम CX बॉन्ड एंड सेपरेटेड एज हैलाइड आयन। ओके, सो इसी टाइम जो हेलोजन होता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है टेक करता है, अपने जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है ले लेता है, जो हेलोजन एटम होता है, जैसे यहाँ पे CX बॉन्ड के बीच जो है दो इलेक्ट्रॉन होंगे, सो दोनों इलेक्ट्रॉन को जो है हेलोजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, एंड अलग से सेपरेट होके जो है हैलाइड बनाता है, जिसको लिविंग ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैकेनिज्म होता है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है HO, एंड यहाँ पे जो है R होता है हमारा एल्काइल ग्रुप, जिसके जगह हम मिथाइल ब्यूटाइल ले सकते हैं। ठीक है, एंड ये हमारा होता है हेलोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे R ग्रुप के कार्बन एटम को देता है, एट द सेम टाइम ये दोनों जो है ये ले लेगा, एंड फर्स्ट स्टेप जो होगा स्लो स्टेप होगा, जनरली ये पूरे एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, बीच में जो है ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, एंड इसी ट्रांजिशन स्टेट में ये सारा जो है, जैसे ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब बॉन्ड का बनना एंड बॉन्ड का टूटना जो होता है यही इसी ट्रांजिशन स्टेट के दौरान होता है, फिर उसके बाद जो फास्ट स्टेप होगा एंड हमारा ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप के साथ OH जो है न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, मतलब ये हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये होता है मेन ट्रांजिशन स्टेट, जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या होगा, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो मेन होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है, SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये एक स्टेप वाला एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है SN2 मैकेनिज्म, पहले स्लो स्टेप होगा, पहले जो है स्लो स्टेप होगा एंड ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद फास्ट स्टेप में जो है कंप्लीट होगा हमारा पूरा प्रोसेस एंड पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसका डिटेल मैकेनिज्म देखते हैं कि किस प्रकार से इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो बेसिकली SN2 मैकेनिज्म इज वन स्टेप प्रोसेस, इन सच अ प्रोसेस द न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन एटम फ्रॉम द अपोजिट टू द टू ऑफ लिविंग ग्रुप एंड द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द बॉन्ड मेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो बेसिकली SN2 मैकेनिज्म जो है एक स्टेप प्रोसेस है, जहां पे न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा कार्बन एटम को फ्रॉम द अपोजिट टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप के अपोजिट जो है इसको लिविंग ग्रुप को नहीं बल्कि कार्बन एटम को, लिविंग ग्रुप जो है हमारा हेलोजन होगा, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी जुड़ा होगा, एंड यहाँ पे जो कार्बन एटम होगा उसको अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से एंड द बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, इसी जो मेन जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट होगा वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग का फॉर्मेशन होगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ होगा दोनों, एंड देयरफॉर अ ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द रिएक्टेंट इन विच कार्बन इज अटैच्ड टू बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड हैलाइड आयन बाय
पार्सल बॉन्ड। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लेंगे, ठीक है, ये मिथाइल ब्रोमाइड है हमारा, ये न्यूक्लोफाइल है। तो ये फर्स्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ये जो न्यूक्लोफाइल होगा ये एक इलेक्ट्रॉन जो है देगा कार्बन एटम को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बॉन्ड है ये कार्बन एटम को देगा, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ये जो ब्रोमाइड होगा हमारा ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहां से ले लेगा एंड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें जो है इसी टाइम मतलब ट्रांजिशन स्टेट में ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा एंड इस प्रकार से हमको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल एंड रैपिडली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट स्लोवर देन कन्वर्जन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इनटू प्रोडक्ट। ओके, सो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये जो है ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता है, इसी कारण ये जो पूरा SN2 मैकेनिज्म होता है ये वन स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दो स्टेप में इसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, बहुत ही जल्दी जो है कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। एंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जो ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन होता है ये स्लोवर होता है देन कन्वर्जन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन जो है बहुत स्लो होता है देन कन्वर्जन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। ये स्टेप जो है स्लो स्टेप होता है, ये स्टेप फास्ट स्टेप होता है, यहाँ पे है, ठीक है, यही इस पॉइंट में बताया गया है। एंड देयरफॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन दिस रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इन विच टू मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड एंड मोनोक्लोफाइल इन्वॉल्व इन कोवेलेंसली चेंज। ओके, तो इसीलिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इस रिएक्शन में इस फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है यही जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जहां पे जो है दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लोफाइल दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं कोवेलेंसली चेंज में, ठीक है, सहसंयोजक चेंज में दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड प्रोसेस्ड बाय SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड प्रोसेस्ड बाय SN2 मैकेनिज्म, तो हाइड्रोलाइसिस हुआ ये हमारा CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है, यहाँ पे ये जो हमारा न्यूक्लोफाइल है ये अटैक करेगा एंड इस प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जनरली एक स्टेप में होता है लेकिन आपको समझाने के लिए जो है यहाँ पे ये टू स्टेप लिखा गया है, आप भी इसको एग्जाम में लिखेंगे, ये ट्रांजिशन स्टेट को भी आपको शो करना है, लेकिन मेनली जो है ये वन स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट जो है अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता है स्टेप्स में। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले हमारा ये प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस के बाद इंटरमीडिएट का बनेगा, फिर उसके बाद एक फास्ट प्रोसेस होगा एंड प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यही SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म है, जो बहुत इजी है, बहुत इजीली आप इसको लिख सकते हैं अपने थ्योरी एग्जामिनेशन में। अगर आपको समझ में आ गया तो अपने से भी ये पॉइंट्स आप बना सकते हैं। बेसिक आपको ये ध्यान रखना होगा SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म में कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, एक इंटरमीडिएट बनता है ट्रांजिशन स्टेट का, जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस होता है। यहां पे एक बॉन्ड जो है एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये न्यूक्लोफाइल एंड एल्काइल, ठीक है, एल्काइल ग्रुप के कार्बन एटम, इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा एंड जो पहले से बॉन्ड था ये एल्काइल एंड हेलोजन के बीच, हैलाइड्स के बीच, वो बॉन्ड टूटेगा एंड एज अ लिविंग ग्रुप के रूप में ये हैलाइड जो है हैलाइड आयन के रूप में अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन प्रोसेस आपको, ये मेन रिएक्शन एंड इसका मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना है। तो यही था SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा इस नोट्स का, जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जहां आपको यूनिट वाइज नोट्स BSc एंड MSc लेवल के सारे नोट्स मिलेंगे। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल सो प्लीज चेक आउट दिस PDF स्टोर, आई एम 100% श्योर कि यहाँ के नोट्स आपके थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड अगर आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।